Hello students, welcome once again in our geography class. Let us continue the second chapter, the origin and the evolution of the earth. Our today's topic is the moon. Student, the moon is the only natural satellite of the earth. Moon jo hai wo akela natural satellite hai hamare earth ka. Aur hamare earth ke paas iske alawa aur koi dusra natural satellite nahi hai. So like the origin of the earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. जिस तरीके से अर्थ के ऑरिजिन से रिलेटेड बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे रिसर्चेस किए और बहुत सारे थ्योरीज दी, वैसे ही मून के ऑरिजिन से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सामने आए. In 1838, Sir George Darwin suggested that Sir George Darwin suggested that initially the earth and the moon formed a single rapidly rotating body. इन्होंने तो क्या बताया कि दोनों ही एक ही single rotating body से ही originate. And the whole mass become a dumbbell shaped body. कुछ इस तरीके से bell की shaped की जो body होती है, इस तरीके से ये जुड़े हुए थे. और आगे चलकर के क्या हुआ, ये जो बेल शेप्ड बॉडी था ये ब्रोक हो गया, टूट गया. एंड इट वाज आल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइंग बाय द पैसिफिक ओशन. और इसकी वजह से ये जो बेल शेप्ड बॉडी है ये टूट गया, ब्रोक हो गया. और ब्रोक होने की वजह से हमारे अर्थ में बहुत बड़ा गहरा सा गड्ढा पड़ गया और वो गड्ढा जो है आज भी पैसिफिक ओशन के तौर पर हमें नजर आता है. ऐसा किसने बताया? ऐसा प्रोफेसर डार्विन ने बताया. पर क्या ये सही है? पता नहीं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी. तो हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर द एक्सप्लेनेशन. ये जो डार्विन सर का एक्सप्लेनेशन था इसे प्रेजेंट साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते. इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ अ जायंट इंपैक्ट. आज के जो नए साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून, ये इसका फॉर्मेशन आउटकम ऑफ जायंट इंपैक्ट के द्वारा हुआ है. और ये जो जायंट इंपैक्ट पड़ा उसको द बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है. क्या है बिग स्प्लैट? जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्रेस होता है, सिमिलरली मून के फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी का नाम है द बिग स्प्लैट. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ बॉडी ऑफ अ साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मास कोलाइडेड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्मड. जब अर्थ बना था, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद में ही एक इससे भी तिगुने आकार का एक बहुत बड़ा सा एक मास से भी तिगुने आकार का जो टुकड़ा था वो आकर के इस अर्थ के साथ कोलाइड हो गया, टकरा गया. और इस टकराने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की वजह से इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस. अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट करके अर्थ में स्पेस में जो है वो रोटेट होने लगा, घूमने लगा. और क्योंकि ये हिस्सा अर्थ का था तो इसका ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की बड़ी ग्रेविटी की वजह से उस छोटे से हिस्से ने इसी के चारों तरफ रोटेट होना शुरू कर दिया. दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यूड टू द ऑर्बिट द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून. एंड दिस हैपेंड बिफोर 4 billion years ago. Our earth formed 4.6 billion years ago, right? अर्थ के बनने के कुछ समय के बाद में ही ये घटना हुई और इस घटना की वजह से हमारा मून जो है वो हमारे सामने बनकर के तैयार हो. ऐसा कई नए जो प्रेजेंट के साइंटिस्ट हैं उनका मानना है. होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ the earth. Hope you understand the formation of the moon well. Now let's come to the next topic
एंड द टॉपिक इज होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मून वेल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो डू यू नो दैट प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट. क्या आपको पता है कि आज का जो खूबसूरत सा अर्थ है जिसमें आपको एम्प्टी अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है और चारों तरफ नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, फ्लावर्स मिलते हैं, इतने सारे लाइफ में वैरायटी मिलती है. आज से पहले जो अभी की वैरायटी है उससे बहुत पहले की बात हम करें. ये जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट. क्या आपको बिलीव होगा आज जिस तरीके का हम अर्थ को देखते हैं कैसा है अभी अर्थ? बहुत वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन है और इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है ना, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन है. इतनी खूबसूरत सी तो है हमारी अर्थ जिसपे वाटर है, लिविंग बींग्स है. पर यही हम इसी प्लैनेट की बात कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में यही प्लैनेट जो है वो बैरन लैंड था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट था. और इसका जो एटमॉस्फेयर है जो कि अभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनके कंपोजिशन से बना है बेसिकली, ये पहले एक बहुत ही पतला सा एटमॉस्फेयर हुआ करता था अर्थ का. और वो भी किससे बना हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस. यानी कि हमारे अर्थ में चेंजेस अकर हुए हैं. दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं. देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेस व्हिच मे हैव कॉज्ड दिस चेंज फ्रॉम रॉकी बैरन एंड हॉट अर्थ टू ब्यूटीफुल प्लैनेट विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. इसका मतलब एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चला है हमारे अर्थ पर और उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद में हमारा ये जो हॉट, रॉकी, बैरन लैंड था उसको इतने ब्यूटीफुल प्लैनेट में कन्वर्ट होने में समय लगा. So, you will find out how the period between 4,600 million years and the present led to the evolution of life on the surface of the earth. Of course, I will tell you, but later on. मैं बताऊंगी आपको कि हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बाद से लेकर के जो आज तक का लाइफ है इसमें क्या क्या चेंजेस और कब कब आए, किस तरीके से हमारा ये हॉट बैरन लैंड जो है वो इतनी खूबसूरत सी पृथ्वी में कन्वर्ट हुआ, इतना खूबसूरत प्लैनेट बन गया. पर हम इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्थ हैज अ लेयर्ड. आपको पता है अर्थ के एवोल्यूशन के बाद में धीरे धीरे अर्थ में फॉर्मेशन एक प्रोसेस हुआ और फॉर्मेशन में चेंजेस आया और अर्थ जो है वो लेयर्ड है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड टू द एटमोसफेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर से लेकर के जो आउटर अर्थ है वहां से लेकर के जो सेंटर पार्ट है वहां तक अर्थ में बहुत ज्यादा लेयर्स हैं एंड द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म. और इवन इनका ये जो लेयर है इनमें जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं ये भी एक जैसे नहीं है, ये भी अन इवन है, यूनिफॉर्म नहीं है. तो द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी. From the surface to the deeper depth, the Earth's interior has different zones and each of these contains material with different characteristics. हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर का है. सरफेस से लेकर जितना हम गहराई में जाएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट जोन में बटा हुआ है और इन डिफरेंट जोन की खासियत है उनके डिफरेंट मटेरियल और हर एक मटेरियल की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है. राइट आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारा अर्थ का इंटीरियर जो है ऐसा माना जाता है कि तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, तो इसको भी हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, कौन सा प्रोसेस इसमें लगा है और इतनी वैरायटी कैसे आई है. नाउ लेट अस डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर.
which part of the earth called lithosphere? The earth was mostly in volatile state during its primordial stage. हमारा जब अर्थ का स्टार्टिंग स्टेज चल रहा था, प्रीमॉडियल स्टेज चल रहा था, उस समय अर्थ बहुत ही वॉलेटाइल थी. एंड ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड. जैसे जैसे हमारी अर्थ की डेंसिटी इंक्रीज हुई, वैसे वैसे हमारी अर्थ की डेंसिटी ने टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द मटेरियल इनसाइड स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटीज. जो अंदर के मटेरियल्स थे अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होने शुरू हो गए. एंड दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स, आयरन लाइक मटेरियल्स टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द लाइटर वंस टू मूव टूवर्ड्स द सर्फेस. और इन सब की वजह से क्या हुआ, जो हैवियस्ट मैटर्स थे वो तो सेंटर में जा कर के जमा होने लग गए, और जो हल्के थे, लाइटर थे, वो ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ आने लगे. देन विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड. धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये ठंडे होते गए. पहले तो क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था. टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से ही हैवी मटेरियल नीचे चले गए और लाइट मटेरियल ऊपर आ गए. धीरे धीरे टेम्परेचर में चेंजेस आया और ये लेयर जो है सॉलिडिफाई होने लगी. हम किस लेयर की बात करें, हम लोग आउटर लेयर की बात करें. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज. दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट. और इस तरीके से आउटर सरफेस बना जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं. एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड. फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगेन 4.4 बिलियन ईयर्स में, 4.6 में हमारा अर्थ बना, 4.4 में एक बार एक बहुत जायंट इम्पैक्ट पड़ा, बिग स्प्लैट वाला सिस्टम हुआ, और उसकी वजह से एक बार वापस से अर्थ जो था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया. एंड इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इंटू डिफरेंट लेयर. और इसकी वजह से जो अर्थ के मटेरियल्स थे इस डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से फिर से फर्दर सेपरेट होने शुरू हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट. सरफेस अलग तरीके का, मिडिल पार्ट अलग, और अंदर का जो सेंट्रल पार्ट था वो अलग. एंड वी हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर. फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस. फिर धीरे धीरे क्रस्ट से लेकर के कोर तक डेंसिटी जो है, डेंसिटी इंक्रीज होने लग गई क्रस्ट से लेकर के कोर तक. राइट, वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज वेल. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट. होप यू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर एज वेल. Now, our next topic, that is evolution of atmosphere and hydrosphere, be taken in the next video. Thank you and have a nice day. Hope you understand the topic evolution of the earth, evolution of moon and evolution of lithosphere well. In our next video, we will discuss about the evolution of atmosphere and hydrosphere and also the geological time scale. So these two topics we will take in our next video. Till then, thank you and have a nice day.